The God's Place Resort, Ganga Facing Restaurant, Party House, Destination Wedding, 12,500 square feet में बिना पिलर बना भव्य हॉल, शानदार समारोह के लिए शानदार वेन्यू, हर किसी की पहली पसंद, निकट नानू की नहर, कावड़ मार्ग, सरधना, मेरठ। मॉडल व फिल्मी एक्ट्रेस से राजनीतिज्ञ बनी कांग्रेस नेता अर्चना गौतम ने तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाते हुए सनसनी मचा दी है। कांग्रेस नेता अर्चना गौतम का आरोप है कि उनसे दर्शन के नाम पर प्रति व्यक्ति 10,500 रुपए न केवल मांग की गई, बल्कि उनसे अमर्यादित व्यवहार करते हुए उन्हें धक्का भी मार दिया गया। इस आशय के दो वीडियो भी बड़ी तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिसमें अर्चना गौतम को गार्ड पर चीखते चिल्लाते हुए यह कहते हुए सुना हुआ देखा जा रहा है कि आखिर उनका कसूर क्या है। अर्चना ने आंध्र प्रदेश सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप कर जांच की मांग की है। वहीं तिरुपति बालाजी मंदिर ट्रस्ट ने सफाई दी है कि अर्चना 30 अगस्त की बुकिंग पर 31 को दर्शन करना चाहती थी, इसलिए उन्हें रोका गया था। पैसे मांगने का आरोप गलत है। पहले देखिए वह वीडियो जो तेजी से वायरल हो रहा है। गाइस, मैं यहाँ बालाजी तिरुपति बालाजी दर्शन के लिए आई हूँ और मैंने टिकट भी ले लिया, रिसिप्ट भी ले लिया। गाइस, मैं बालाजी दर्शन के लिए आई थी, इन लोगों ने मेरे को बताया नहीं कि कल टिकट मिलेगा और आज मेरे पास रिसिप्ट है, टिकट है मेरे पास, ये लोग टिकट नहीं दे रहे हैं, ये लोग टिकट नहीं दे रहे हैं, ये लोग मुझसे चार्ज कर रहे हैं 10,000 रुपीज, कह रहे 10,000 रुपीज ये लोग चार्ज कर रहे हैं तब जाके बालाजी दर्शन करने देंगे, ठीक है। और ये इस बारे में फर्स्ट बाइट ने कांग्रेस नेता अर्चना गौतम से बात की, सुनिए। अर्चना जी। हाँ जी। रवि शर्मा बोल रहा हूँ मेरठ से, फर्स्ट बाइट। हाँ जी, हाँ जी रवि जी। क्या मामला हुआ है आपके साथ में? फ्राइडे को पहले दर्शन करने के लिए गई थी तो वहाँ पे इन्होंने लगा रखा था फ्राइडे सैटरडे संडे दर्शन बंद है जी। तो मैंने बोला कि मतलब अब हम कब कर सकते दर्शन, मतलब आपको टिकट लेना पड़ेगा। मैंने ऑनलाइन में टिकट देखा तो नवंबर में टिकट आ रहा था, तो मैंने कहा आप कोई ऐसा तरीका बताएं जिससे कि मतलब कोई जल्दी दर्शन हो जाए। तो इन्होंने बोला है कि आपको VIP दर्शन मिल सकते हैं जो कि 10,500 रुपए का रहेगा। तो मैंने कहा हम लोग 5 जने हैं, मतलब पहले मैं 9 लोग थी तो उन्होंने पहले 90,000 बोले थे, तो फिर मैं दोबारा 5 को लाई तो फिर उन्होंने बोला 50,000 रुपए, मतलब उसके बाद में उन्होंने बताया था नहीं तो आप किसी मंत्री की लेटर पैड पे लिखवा के हमको जमा कर दीजिए, हम अप्रूव करके आपको दर्शन दे देंगे एक दिन पहले। फिर उसके बाद में क्या हुआ, मैंने मंडे को किसी को भेजा था, यानी 30 तारीख को भेजा था टिकट लेने के लिए, तो उन्होंने 31 का मुझे पास दिया था, 31 का पास दिया था। फिर मैं गई तो इन लोगों ने बोला कि आप लेट हो गए, आप 12:30 बजे आए हो तो आप आधा घंटा लेट हो गए। तो मैंने कहा सर हम यूपी से आए हैं, आप इतना तो कर सकते हैं, तो ट्रैफिक में लेट हो गया, हमने ऐसा बोला। अरे नहीं नहीं वो टाइमिंग होता है, नहीं तो आप एक काम करिए 50,000 रुपये जमा कराइए, हम आपको VIP दर्शन करा देते हैं। तो मैंने कहा ये क्या है, ये तो बहुत बड़ी रकम है। तो उन्होंने बोला कि आपके लिए ये रकम क्या बात है, आपके लिए तो बहुत कम रकम है। मैंने कहा आप कैसी बातें कर रहे हैं, आपको पता भी है आप कैसी बातें कर रहे हैं, किससे बातें कर रहे हैं आप, अरे निकालो निकालो से बाहर निकालो। मैंने कहा नहीं जाऊंगी मैं, कौन हाथ लगाएगा मुझे। तो उन्होंने क्या किया, गोदी में पकड़ के, मतलब इस तरह से गंदी तरीके से पकड़ के मेरे को कैबिन से बाहर फेंक दिया। और उसके बाद जो मतलब जैसे हाथ होता है ना, मेरी ब्रेस्ट पे इन्होंने हाथ लगा के ऐसा दूर से धक्का दिया, ठीक है। सारा कुछ CCTV फुटेज में कैद है। ये लोग खुद फंस जाएंगे। और मैंने तो खुद सोशल मीडिया में बोला है कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है। जो आपने पर्ची कटवाई थी वो 30 अगस्त की थी,
नहीं नहीं पर्ची मैंने नहीं कटवाई थी, वो 31 अगस्त की, और जो मैंने कटवाई थी वो 30 तारीख को इश्यू करवाई थी, क्योंकि इन लोगों का ये घटिया रूल है कि अगर आप वीआईपी दर्शन कर रहे हो मेट्रो पे तो आपको एक दिन पहले आके हम लोगों से पास लेना पड़ेगा 30 तारीख का। तो 31 तारीख को मेरे को अंदर एंट्री मिलती, यानी मेरे को टिकट मिलता, बट इन लोगों ने वो टिकट नहीं दिया मुझे, ये बोल के कि आप लेट हो गए हो एक घंटा आधा घंटा। आपने वहां पर कोई पुलिस कंप्लेन भी की है? हाँ मैंने पुलिस कंप्लेन की है, मैंने FIR भी करने की कोशिश की थी, और उसके बाद मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि तिरुपति बालाजी ने उन्होंने धंधा बना रखा है लूटने का लोगों को। मैं केंद्र सरकार से दरख्वास्त करती हूँ कि जो इतना पैसा आता है वो कहाँ जाता है जब ये लोग इतना कमा रहे हैं लोगों से। तो ठीक है मैडम, ठीक है ठीक है। और दूसरी चीज ये है, इन लोगों को इतनी की तमीज नहीं कि लड़की को किस तरह से टच करते हैं, किस तरह से इन लोगों का क्या हक है कि इन्होंने मुझे गोद में उठा के ऐसा बाहर फेंकते हैं ये लोग, इनको इतनी भी कॉमन सेंस नहीं है, जबकि इन लोगों को पता था कि मैं एक्ट्रेस हूँ और मैं MLA कैंडिडेट हूँ। नॉर्मल लड़की के साथ तो ये क्या बिहेव करते हैं, इन लोगों का बिहेव पे एक्शन होना चाहिए कि इन लोगों ने लड़की के साथ ये अभद्रता प्रयोग की है। ठीक है मैडम, से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू जी, थैंक यू। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए FirstBite.tv। नमस्कार।